रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। राहुल गांधी के ट्वीट पर सीएम योगी का पलटवार। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सियासी सूरमा चुनाव के लिए तैयार होने लगे हैं। रैलियां और चुनावी कार्यक्रमों के पहले ट्विटर ही सियासी योद्धाओं के लिए अखाड़ा बन गया है। ट्विटर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इसमें मंगलवार को राहुल गांधी भी कूद पड़े। दरअसल लगातार माफियाओं पर कार्रवाई का दावा कर उत्तर प्रदेश सरकार जहां एक तरफ अपनी पीठ थपथपाती नहीं थक रही, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष से एक वर्ग विशेष पर की जाने वाली कार्रवाई बता रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस के राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, जो नफरत करे वो योगी कैसा। अखिलेश यादव के अधिकारियों को चेतावनी, समाजवादियों ने बनाई है लिस्ट, कोई नहीं बचेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को यूपी के अधिकारियों को सीधे लहजे में चेतावनी दे डाली। अधिकारियों पर योगी सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने सभी की लिस्ट तैयार कर ली है, सरकार आने पर कोई नहीं बचेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जाने वाली है, इसलिए मुख्यमंत्री की भाषा बदल गई है। उन्होंने कहा कि आज किसान, नौजवान, युवा सब परेशान हैं और अब सरकार बदलना चाहता है। 2022 विधानसभा चुनाव 100 नहीं 200% तय है कि बीजेपी से नहीं होगा गठबंधन, बसपा खुद बनाएगी सरकार, सतीश मिश्र। उत्तर प्रदेश की चुनावी सरगर्मियों के बीच बड़ी खबर है, बसपा ने कई दावा करते हुए हर पार्टी से अलग रहने का साफ ऐलान अब कर दिया है। बसपा के वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ किसी भी तरह की गठबंधन को 200% खारिज कर दिया है। उनका दावा है कि उनकी पार्टी राज्य में स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। पार्टी सुप्रीमो मायावती के करीबी विश्वास पात्र माने जाने वाले मिश्रा ने पीटीआई को दिए एक साक्षात्कार में बताया कि बहुजन समाज पार्टी किसी अन्य पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। बकौल मिश्रा, हम ना तो किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, ना ही समर्थन लेंगे, हम विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे। अखिलेश का सीएम योगी पर तंज, कहा चुनाव चिन्ह बदल कर बुलडोजर कर लो। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव एक्टिव हैं। राजधानी लखनऊ में अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार गरीबों की झोपड़ी तोड़ रही है, घरों को नुकसान पहुंचा रही है, सरकार को अपना चुनाव चिन्ह भी बुलडोजर रख लेना चाहिए। सपा अध्यक्ष ने कहा कि जो अधिकारी नक्शा निकालकर गरीबों का घर बुलडोजर कर रहे हैं, अयोध्या में जिन लोगों के घर गिराए गए हैं, सपा सरकार बनने में मदद करेगी। पहले नाम और रंग ही बदल रहे थे, अब फोटो भी चुराने लगे। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। अखिलेश यादव ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है, इसकी तैयारी चल रही है। उन्होंने दावा किया कि यूपी में चाहे जितनी पार्टियां आ जाएं, सरकार एसपी की ही बनेगी। एसपी चीफ ने कहा कि यूपी के मुखिया की भाषा बदल गई है, जो सपा ने काम किए उन्हें फिर से किया जा रहा है। हर वर्ग के लोग दुखी हैं, अपना काम बताने को नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी तक सरकार रंग बदल रही थी, नाम बदल रही थी, अब दूसरे प्रदेशों के फोटो चुरा कर अपना काम बताकर आगे बढ़ रही है। ये सरकार एक भी काम नहीं बता सकती जिसका शिलान्यास किया हो और उद्घाटन किया हो। ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ को बताया झूठा, पूछा यूपी में कितने अल्पसंख्यकों को दिया घर। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को झूठा करार दिया। पटना में पत्रकारों से बातचीत में कहा, योगी बताएं कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने कितने घर अल्पसंख्यकों को दिए। कोरोना की दूसरी लहर जब चल रही थी तब गंगा में शव पड़े थे, तब वो क्यों नहीं देख पाए थे। ओवैसी ने कहा कि 1600 करोड़ आए उत्तर प्रदेश की माइनॉरिटी के लिए, इसमें से आपने सिर्फ 16 करोड़ खर्च किए, झूठ पर झूठ बोलते रहे। ये समझते हैं इस तरह से बोलकर अपनी गिरती हुई शाख उठा पाएंगे, लेकिन यूपी की जनता देख रही है। कांग्रेस का टिकट चाहिए तो 11,000 रुपए के साथ करिए आवेदन, सर्कुलर जारी। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट के लिए आवेदन करने वालों को पार्टी 11,000 रुपए देना होगा। कांग्रेस पार्टी चुनाव के टिकट के आवेदकों से ये रकम सहयोग राशि के रूप में लेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मंगलवार को इस बात को लेकर सर्कुलर जारी कर दिया है। जारी सर्कुलर में कहा है कि विधानसभा चुनाव के आवेदन जमा करने के लिए जिला मुख्यालय पर जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के जन शिकायत प्रकोष्ठ के सचिव
संजय शर्मा, लखनऊ के पूर्व जिला अध्यक्ष विजय बहादुर को अधिकृत किया गया है। सभी आवेदकों को 11,000 की राशि 25 सितंबर तक जमा कर सकते हैं। राकेश टिकैत ने सरकार पर साधा निशाना, कहा भाजपा को उनके चचा जान ओवैसी चुनाव जीत ले जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन भाकियों की राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार पर हमला बोला। योगी जी के अब्बा जान के बयान को आगे बढ़ाते हुए तंज कसा कि भाजपा को कहां दिक्कत है, यूपी में इनके चचा जान ओवैसी आ गए हैं, उन्हें चुनाव जिताकर ले जाएंगे। 3 कृषि कानून वापस नहीं लेने पर कड़े कदम उठाने की चेतावनी दी। राकेश टिकैत ने मंगलवार को मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक के पैतरा गांव हिसावदा में कांग्रेस किसान पंचायत को संबोधित किया। उन्होंने यूपी विधानसभा में भाजपा की सरकार उखाड़ने का आह्वान कर कहा, देश पूंजीवाद की भेंट चढ़ गया, ना खेती बचेगी और ना ही हमारी अगली नस्लों का अस्तित्व बचेगा। राज्यसभा की इकलौती सीट के लिए कांग्रेस में एक अनार सौ बीमार की स्थिति, जानिए क्या है राजनीतिक हलचल। राज्यसभा की 5 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में दावेदारी को लेकर कांग्रेस में एक अनार सौ बीमार जैसी स्थिति है। महाराष्ट्र में मिलने वाली एक सीट के लिए कम से कम पार्टी के 8 गंभीर दावेदार हैं, जबकि तमिलनाडु में एक सीट के लिए होड़ में जुटे आधा दर्जन नेताओं की उम्मीद। मंगलवार को द्रमुक की ओर से राज्य की दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा के साथ समाप्त हो गई। कांग्रेस के असंतुष्ट खेमा जी 23 की अगुवाई कर रहे वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को तमिलनाडु से राज्यसभा में लाए जाने की संभावना टटोल रहा था, तो दूसरी ओर पार्टी नेतृत्व डेटा एनालिटिक्स विभाग के अध्यक्ष प्रवीण चक्रवर्ती की उम्मीदवारी पर विचार कर रहा था। कांग्रेस कमीशन यूपी अध्यक्ष का ऐलान, चुनाव लड़ने वाले आवेदकों को जमा कराने होंगे 11,000। उत्तर प्रदेश मिशन में जुड़ी कांग्रेस ने 2022 के लिए उम्मीदवारों के लिए नया ऐलान किया है। विधानसभा के उम्मीदवार को आवेदन जमा करने के साथ प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के बैंक खाते में 11,000 रुपये जमा करने होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू ने बताया कि ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू होगा। वहीं दूसरी पार्टी के 2,00,000 कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण होने के बाद अब दूसरे चरण में 30,000 पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करेगी। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी के 3 दिवसीय दौरे के बाद दूसरे चरण का प्रशिक्षण अभियान चलाएगी। बुधवार से शुरू होने वाले यूपी कांग्रेस का प्रशिक्षण से पराक्रम महाअभियान का दूसरा चरण शुरू करने जा रही है। इस चरण में पार्टी 100 ट्रेनिंग कैंपों को आयोजित करेगी। तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दे, इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज को कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।